लिवोकेयर सिरप। लिवोकेयर सिरप क्या है इसके बारे में आज की वीडियो में जानूंगा मैं। कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूं जिस पॉइंट्स के ऊपर मैं आज मैं इस वीडियो के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। लीवर खराब होने के क्या क्या कारण होते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है, और साथ ही साथ लीवर खराब होने का लक्षण क्या होता है उसके बारे में भी बताऊंगा। बहुत से लोगों को पता नहीं चल पाता है कि हमारा लीवर सही वर्क करता है या नहीं कर रहा है। इसके बाद सेफ शॉप हाउमा का जो ये लिवोकेयर सिरप है इसमें बहुत सारी औषधि मिलाई गई है, तो उस औषधियों के बारे में भी मैं बताऊंगा कि बहुत सारी औषधियों में ये क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, हर एक औषधि से क्या फ़ायदा हमें मिल सकता है। इसके बाद इसे कैसे इस्तेमाल करना है ये भी मैं बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ इसकी कीमत क्या है और ये हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं इसे, इसके बारे में बताऊँगा, और लास्ट इसके साइड इफ़ेक्ट भी क्या है इसके बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा हाउमा का लिवोकेयर सिरप क्या है। लिवोकेयर जो है कहीं ना कहीं हम अपने बॉडी के अंदर में जो लीवर होता है, हर आदमी चाहता है कि हमारा लीवर स्वस्थ और तंदुरुस्त रखे, इसके लिए लिवोकेयर का लोग इस्तेमाल करते हैं या लिवोकेयर जैसा सिरप को कहीं ना कहीं मार्केट से लेकर इस्तेमाल करके लीवर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का महत्वपूर्ण अंग में से दूसरा अंग है। जैसे कि पहला अंग हृदय होता है, दूसरा अंग जो है महत्वपूर्ण वो होता है हमारा लीवर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि ये जो है ना लीवर जो है हमारे बॉडी के अंदर में लगभग 18 फंक्शंस को जो है कंट्रोल करता है। एक तरह से हम लोग लीवर को रिमोट कंट्रोल भी कहते हैं। तो ऐसे में हमें अपने बॉडी के अंदर में लीवर का बहुत ही बेहतर तरीके से ख्याल रखना पड़ता है, जिसके लिए हमारे पास में लिवोकेयर शेप्स ऑफ हाउमा जो रिप्रेजेंट करती है। आखिर हमारे लीवर को ख़राब होने का कोई ना कोई तो कारण होगा, तो हमारे लीवर ख़राब होने का कारण कुछ है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत से लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं जिसके वजह से उनके लीवर पर इम्पैक्ट पड़ता है, और धूम्रपान और प्रदूषण और साथ ही साथ केमिकल प्रोडक्ट्स बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं जिसके वजह से लोगों की लीवर कहीं ना कहीं डैमेज होती है। और हमारी लीवर कितना अच्छा है या वर्क अच्छा से करता है या नहीं करता है या ख़राब है, तो उसके क्या क्या लक्षण है, लक्षण से हम अपने आप को पता कर सकते हैं कि हमारी लीवर कितना परसेंट बढ़िया है, ठीक है। तो कुछ कुछ लक्षण ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। जैसे कि सबसे पहला लक्षण होता है जिसका पेट फूलना, खाना सही समय से अच्छे से समय से पचता नहीं है, या भूख जो है समय पे नहीं लगता है, या खाना खाने बैठते हैं तो अच्छे से खा नहीं पाते, गैस बनना, या पेट में जो गर्मी होती है उस गर्मी की वजह से बालों का झड़ना होता है या सफ़ेद होता हो, और सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम सब लोगों को खास करके देखी जाती है जिसको बोलते हैं कब्जियत बनना, यानी कब्ज बनना। बहुत से लोगों को ये कहीं ना कहीं 10 में से 8 या 7 लोगों को ये कब्ज की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होती है, ठीक है। तो बहुत से लोगों में ये बीमारियाँ कहीं ना कहीं ये सारी की सारी बीमारी दिखती है, जिससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा लीवर कहीं ना कहीं सही तरीके से फंक्शन वर्क नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए हमें लिवोकेयर का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो आखिर में लिवोकेयर जब इस्तेमाल करने की बात आती है तो हम सेफ शॉप हाउमा का ही क्यों लिवोकेयर ही क्यों यूज़ करें, क्योंकि सेफ शॉप में जो जो लिवोकेयर जो प्रेजेंट करती है हम सभी लोगों के लिए, इसमें आपको 14 औषधियों का जो है गुण आपको देखने को मिलेगा, और हर एक औषधि में क्या क्या फ़ायदा है उसको मैं आपको बताऊंगा नोट डाउन करके। सबसे पहला औषधि जो है जो उपयोग में लाया जाता है लिवोकेयर सिरप को बनाने में, नगरमोथा और हिमसरा। इससे क्या हमें फ़ायदा मिलता है, खाना और पाचन तंत्रिका के विकार जो भी होती है उसे दूर करता है। दूसरा गुलाब और शेना जो हमारे कब्जियत से आराम दिलाता है, और हरद जो होता है वो हमारे अपचन को दूर करता है। बहेरा जो बाल झड़ने और सफ़ेद होने की समस्या को जड़ से ख़त्म कर देता है, और कचूरा जो होता है वो खून की समस्या हो, चाहे खांसी हो, चाहे सर दर्द हो या कमजोरी हो, उसे भी कंट्रोल करता है। आंवला जो होता है वो हमारे बालों के लिए बेहतर होगा, जो काला बनाने में मदद करता है, और जीरा और कासनी जो है दोनों मिक्स करके एंटी ऑक्सीडेंट का काम करता है और सूजन को कम करता है। सौंफ जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, और काली मिर्च जो होता है वो हमारा लीवर को मजबूत बनाता है, साथ में काकमाची भी मिलाया रहता है। कुटकी जो टीवी शुगर जैसी बीमारियों से दूर रखता है, और पुनर्नवा जो होता है वो हमारे हार्ट को और कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो ये सारे फायदे हैं ये 14 का 14 औषधियों से।
तो इसीलिए सेफशॉप अहोमा का लिवो केयर को इस्तेमाल करना चाहिए। अब जानते हैं कि लिवो केयर सिरप में इतने फ़ायदे हैं, तो आखिर इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस सुबह में खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद आपको 2 चम्मच इसे सेवन करना है, और रात में खाना खाने के बाद 2 चम्मच सेवन करना है। या तो अगर आपके पास में ढक्कन है तो आप इसे 10 ml नाप के भी आप पी सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। अब इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट है, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में मैं आपको बता दूँ। ऐसे आप जान लें कि ये बिल्कुल आयुर्वेदिक औषधि है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मगर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग अगर इसको ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ को अगर सेवन करें तो आपको इसको कुछ साइड इफ़ेक्ट दिख सकता है। जैसे इसको अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर सेवन कोई करता है तो आपको दस्त की समस्या आ सकती है, ठीक है। इसीलिए इसको जब भी आप इस्तेमाल करें तो आपको इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें कि आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ज़्यादातर नहीं देखा गया, अगर सही मात्रा में अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो, ठीक है।